एंड आवर कंपनी नेम इज सिग्मा टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेटेड इन सेक्टर 10 नोएडा. एक्चुअली वी आर इनटू फोर कैटेगरी. कैटेगरी मींस आवर कंपनी डूइंग फोर टाइप ऑफ वर्क, रिपेयरिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लाइक पीएलसीज एंड रिलेटेड टू दिस ऑटोमेशन पार्ट. एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड ऑटोमेशन. तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वी आर मेकिंग SPM स्पेशल पर्पज मशीन, कन्वेयर एंड जिग फिक्सर्स. तो मशीन तो बहुत तरह की होती है. आप कहोगे कि आप क्या बना रहे हो, मशीन तो हर जगह मिल जाती है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं बैठे हैं जो बाहर भी, देशों में इधर भी. तो उसके हिसाब से हम कस्टमर के हिसाब से मशीन बनाते हैं, जिसमें कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टैंडर्ड मशीन होती है. स्टैंडर्ड मशीन होती है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है. मैं एग्जांपल लेता हूँ, यदि मोल्डिंग लाइन, इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन किसी ने देखी हो तो वो एक किसी भी मोल्ड के हिसाब से कोई प्लास्टिक पार्ट बना देती है, लेकिन उस पार्ट को बनाने के बाद उससे एक बड़ा प्रोडक्ट बनता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एलईडी टीवी का ले लीजिए, या जितनी CFL होती है, ये देखिए जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर है और उनके ऊपर कोई ना कोई पार्ट चलता है. तो पार्ट, एक कंप्लीट पार्ट बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड पार्ट होते हैं, तो उन चाइल्ड पार्ट को मिला के कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है. जैसे मैं पानी की बोतल की बात करूं, तो इसमें पानी है, बोतल है, उसका कैप है, बट वो हाँ कैप, तो इसमें एक इसको फिलिंग करने के लिए एक मशीन होती है, बट ये बोतल को रन करने के लिए कन्वेयर की रिक्वायरमेंट होती है. जो मशीन और कन्वेयर की स्पीड जब मैच करती है तो बोतल फिल होती है. तो ये एयरपोर्ट, रेलवे पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है. ये कूलर, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, असेंबली लाइन है. ये टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, ईयरफोन. दिस इज द कन्वेयर फॉर फार्मा इंडस्ट्री, जहां मेडिकल मेडिसिंस बनती है, उनकी पैकिंग के लिए यूज होती है, उनकी फिलिंग के लिए यूज होती है. ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे कन्वेयर तो वर्ड एक है, लेकिन इसमें डिफरेंट